सो गाइस गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए रोमांचक सफ़र में। जैसा कि मैं वाटाकारा तो एक करके कोई जगह था तो वहीं पे मैं समुद्र के किनारे मैंने अपना टेंट लगा के स्टे किया था और खाने पीने रहने का यहाँ के जो मतलब अपने एज के लड़के हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, तो वो बोले कि भाई मेरे तरफ से इन्वाइट रहेगा आपको, तो उनकी तरफ से वो हो गया था। और अब हमारी जर्नी रहेगा कन्नूर के लिए, जो कि आज हम कन्नूर आज का डेस्टिनेशन है, जो कि यहाँ से वो 50 किलोमीटर है कन्नूर। तो हम कन्नूर में शायद ट्राई करेंगे कि एक दो दिन तक स्टे करें, क्योंकि कन्नूर में कुछ देखने लायक भी है, तो कन्नूर में स्टे करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए निकलेंगे मैंगलोर के लिए। लेकिन फ़िलहाल में यहाँ से हम अब निकलते हैं, हमारा पूरा सब कुछ सेटअप हो चुका है और बज रहे हैं 8। आज थोड़ी लेट हो गई पर कोई ना, उतना होता रहता है। तो अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पूरे भारत की यात्रा साइकिल से बिना पैसों में कर रहा हूँ, पब्लिक सपोर्ट हर जगह, मतलब अब ऑल इंडिया क्या भाई, अब वर्ल्ड टूर से भी सपोर्ट आ रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी खुशी वाली बात है कि नहीं यार अपना देश तो छोड़ो, अगर अदर देश से भी सपोर्ट आने लगे ना तो वो खुशी वाली बात हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली कि चलो अब कोई जर्नी में बाधा आ सकता है लेकिन थोड़ी कम आएगी बाधा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि चलो भाई विदेशों से भी सपोर्ट मिलने लगा अब। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आप लोग का अगर इसी तरह सपोर्ट बना रहेगा और वीडियो में बने रहेंगे आप लोग, तो बहुत जल्द ही एक बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जो कि वो प्रोजेक्ट अभी समथिंग टाइम लगेगा लेकिन हम आप लोग को दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे वो, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है मेरा पूरा बम्पर धमाका होगा। फिलहाल में हम चलते हैं, इस पे डिस्कस करने का कोई मैटर नहीं निकला क्योंकि अभी ये कंटिन्यू है, अभी इसमें टाइम लगेगा 3-4 महीने, तो अभी मैं कुछ दिखा नहीं सकता, नहीं कह सकता हूँ, तो क्योंकि क्या है ना कि भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से पहले भाई करके दिखाओ, कहो मत। ये रहा मॉर्निंग का व्यू और सूर्योदय तो भाई हो गया है, और ये रहा हमारा टेंट इसी में जो कि हम सोए हुए थे, यहीं पे हमने स्टे किए थे, काफ़ी खूबसूरत। तो ये रहा व्यू, मज़ा आ गया, रात में खूब ठंडी ठंडी हवा बह रहा था, साइकिल सेट हो गई है, धूप हो गया है, चलते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं कि ये जो दो भाई हैं ये लक्षद्वीप से ही है, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग लक्षद्वीप से यहाँ पे आके ट्रैवल कर रहे हैं, और मेरा जो अगस्त का नेक्स्ट प्लान है ये लोग लक्षद्वीप से एर्नाकुलम बाई सी पाए हैं, जिसका चार्ज एक लोग का 350 रुपये, 350 रुपीज़, राइट। सो सीप का चार्ज 350 रुपीज़ और परमिट का चार्ज 600 रुपीज़, मतलब 1000 में आप आ सकते हैं, या राइट 600 उसका, एंड नहीं 12 या 1300 में अप डाउन। सो बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिलके, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि 5-10 हज़ार से अधिक लगेंगे परमिट के लिए, लेकिन भाई बहुत सस्ता मस्त है, अब तो कंफर्म हो गया। गाइस आज का ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, हम इसको खाते हैं और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन ये इतना छोटा रूट है और ये इतना बिजी रूट है ना कि पूछो मत, एकदम बसें पूरा सड़ा सड़ा के निकल रहे हैं यार, उसमें से ब्रेक भी नहीं है मेरे पास, दोनों में नहीं है ब्रेक, ये रिस्क वाली बड़ी बात है। खैर एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं अब कन्नूर नहीं जा रहा हूँ, बीच रास्ते से मैंने अपना थोड़ा प्लान और डिसीजन थोड़ा चेंज कर दिया, और क्या कि अब मैं कोट्टयूर एक प्लेस है वहाँ पे माँ एक बहुत ही मतलब सुंदर और बड़ा शिव टेंपल है, तो वहाँ पे इस टाइम क्या है कि फेस्टिवल चल रहा है, समथिंग एक महीनों तक फेस्टिवल चल रहा है, तो इस टाइम एक लोग जो क्या जो हम जिनसे मिले थे कन्याकुमारी में, तो उन्होंने जो साइकिलिस्ट से नहीं मिले थे हम लोग, तो
वही आज मैसेज करके बताएंगे भाई कोटियार बहुत ही फेमस प्लेस है, अच्छा प्लेस है, वहाँ पे टेंपल भी बहुत अच्छा, व्यू भी अच्छा है और फेस्टिवल चल रहा है। तो मैंने बोला तब क्यों ना प्लान को चेंज किया जाए। आवाज तो यार आप लोग कहोगे ये पूरा पागल है, चलेगा कहाँ के लिए, कभी इसका प्लान चेंज हो के कभी इसका रूट चेंज हो जाएगा कोई पता नहीं। तो यही रूट मेरा चेंज हो गया और थालासेरी एक जगह है और उस जगह से ही मैंने चेंज कर दिया पूरा। यहाँ से थालासेरी से समथिंग 22 किलोमीटर था कन्नूर, मैंने कन्नूर से पहले ही चेंज कर दिया। आप जाऊँगा कोटियार आज समथिंग, देखते हैं अगर आज पहुँच जाएंगे तो ठीक है। यहाँ से 50 किलोमीटर है, अभी एक बजने वाले हैं, तो अगर आज पहुँचते हैं तो कल स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से कन्नूर के लिए। लेकिन फिलहाल मैं अभी के लिए मेरा पूरा रूट चेंज हो चुका है और अभी मैं कोटियार जा रहा हूँ। शायद आगे का प्लान ये भी बन सकता है कि मैं मैसूर भी जा सकता हूँ, पर अभी मेरे पास ऐसा कोई डिसीज़न है नहीं, ना ही कोई प्लान है। लेकिन इस यहाँ पे पहुँचने के बाद ही मैं कोई डिसीज़न या प्लान बनाऊँगा कि मैसूर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वायनाड से मैं रिटर्न आया तो मैसूर को मिस कर रहा था। लेकिन ट्राई करते हैं कि मैसूर भी चला जाए, अभी बहुत टाइम है, उतना ज़्यादा यार क्या टाइम लॉस इधर उधर किया जाए। जब टाइम है तो इधर उधर थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर निकला जाए, क्योंकि ये कन्नूर लास्ट प्लेस है यहाँ केरल का, फिर उसके बाद मैंगलोर होते हुए कर्नाटका में इंटर, फिर उसके बाद गोवा में इंटर कर लेंगे। तो चलते हैं। और भाई मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं, मॉर्निंग में जहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं रुका था वहाँ पे ऐसा मतलब मिला था यार खाने को, मैंने छोड़ दिया वहाँ पे भी, और सेम अभी तो कुछ नहीं मिला, शॉप मिला है मैं रुक नहीं पा रहा, ब्रेक प्रॉब्लम अभी भी है। मैं आया खाने के लिए भाई साहब, रेस्टोरेंट तो ठीक ठाक है पर बिल ठीक ठाक नहीं है। 89 रुपीज़ का बर्गर है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये 1.25 रुपये पता नहीं कैसा कटा हुआ है। खैर ठीक है जो है, केरला इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। अभी मैं जा रहा हूँ कोट्टियूर और बारिश हो रही है कोट्टियूर की तरह, भाई भयंकर बारिश हो रही है पर मज़ा आ रहा है राइड करके। और ये बहुत ही बिजी रूट है जिसमें वीडियो शूट करना बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही है, पर कोई ना सब कुछ एडजस्ट किया जाता है भाई, रुक जा। हमारा ये वाला रूट कोट्टियूर चला जा रहा है और ये वाला रूट है जो इरिटी और पेरावूर करके कुछ जगह है उधर जा रहा है, लेकिन हम चलेंगे इसी रूट से। लेकिन ये वाला ज़्यादा बिजी रूट लग रहा है ना। हाँ, ये सीधा जाने के बाद विराट पर मैसूर होगा। अच्छा मैसूर रूट। हाँ अमाउंट तो पैसा मैंने 11,000 सौ मैंने, अच्छा 1100 खर्च किया। अच्छा सो इधर ये जितने भी ट्रीज दिखाई दे रहे हैं 3 साल पहले ही ये लोग लगाए थे और 3 साल के बाद इतना बड़ा हो गया है। वही यार अगर एक एक पौधा भी लगाया जाए तो सोचिए इतना अच्छा, फिर ऑक्सीजन सब कुछ दे रहा है तो कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। अच्छा ओके ओके कन्नूर कुतुपुरम। हाँ ओके ओके। ये बेंगलोर 286, इरिटी 15, मैसूर 155 किलोमीटर है बाबा, कन्नूर 28, आगे से रास्ता जाएगा विराज पर 56। सो गाइस यहाँ से इरिटी कहना कि वो समथिंग 11 किलोमीटर है और इरिटी में एक मलू ट्रैवलर करके काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हैं, 2.67 मिलियन फॉलो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा है भाई, 2.5 मिलियन कुछ होता है यार सब्सक्राइबर। तो यहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दो लोग हैं वो 41 कंट्रीज की ट्रैवल कर चुके हैं, 2010 से ही वो इस फील्ड में आए हुए हैं, तो समझ लो 12 साल स्ट्रगल किया है। और लोग मुझे बोलते, मुझे क्या कि 6-7 महीने में ही बोल लोग बोलने लग रहे हैं कि ये है वो है, तो यार भाई इतना जल्द सबको नहीं मिलता है ये सब, कुछ टाइम लगता है, कुछ स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से अभी तो मेरा शुरुआत है, उन लोग के आगे तो मैं कुछ नहीं हूँ यार, अभी तो मैंने शुरुआत किया है, लेकिन आगे की हमारी जर्नी भी काफ़ी लंबी है और स्ट्रगल मेरा भी है उसी तरह सेम। उम्मीद करता हूँ कि मेरा भी
आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो मेरा भी बहुत जल्दी 1 मिलियन क्रॉस करेगा, और बस इसी तरह बना रहे, आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे हम इसी होटल में रुके हैं जूस पीने के लिए, तो यहाँ से हम जूस पीते हैं और फिर चलते हैं। अभी ज़्यादा टाइम है, अभी 4:30 बजा, बस 11 किलोमीटर की राइड आज कंप्लीट करना है, और आज हम रुकेंगे इरिटी में, देखते हैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है तो बेटर रहेगा। मस्त नज़ारा, इतना खूबसूरत, मज़ा आ गया। बारिश तो हो नहीं तय है और ठंडा मौसम भी है, इस वजह से अच्छा है यार, सब लोग अपना अपना रेन कवर निकाल रहे हैं। हम तो भीजेंगे और मजे लेंगे। दिख रहे हैं यार बहुत ही खतरनाक बादल। अरे मौसम बहुत मस्त है, ठंडा ठंडा हवा, मज़ा आ रहा है, क्योंकि दोपहर तक बहुत गर्मी थी। तो गाइस जैसे कि मैं इरिटी में आ गया हूँ, और आज रात मतलब ये जो सर लोग हैं 3-4 लोग, तो इन्होंने बोला कि आप यहीं पे ये जो शॉप के ऑनर हैं, ये जो फ्लैग पकड़े हैं तो यही ऑनर है, तो इनकी ये शॉप है और ये समथिंग 7 बजे क्लोज़ कर देंगे, तो यहाँ पे बोलें कि आप स्टे कर लीजिए, टेंट लगा लीजिए, पीछे लाइटिंग बाथरूम सब कुछ है, तो यहाँ पे हम आज स्टे करेंगे, और सर लोगों की तरफ से पूरा एकोमोडेशन है, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा, और आज हम यहीं पे स्टे करेंगे, फिर कल हम निकलेंगे कोटियार के लिए। ഉത്തർപ്രദേശ് मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं अपनी जर्नी ऑल इंडिया की साइकिल से कर रहा हूँ, जिसका मेन मोटिव है एयर पोल्यूशन कंट्रोल और सेफ द प्लांट ट्री। एक्चुअली मैं जब अपने कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था और जो अपने आसपास एरियो में देख रहा था, उधर क्या कि छोटी छोटी दूरियों को कवर करने के लिए वो लोग बाइक या फोर व्हीलर का यूज़ कर रहे थे, जो कि वो गलत है, और लोग पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि अपने एरिया में इतना हो रहा है तो ऑल इंडिया में इतना हो रहा था होगा, तो इसकी वजह से मैंने साइकिल से ऑल इंडिया स्टार्ट किया, ताकि डोर टू डोर ये मैसेज दिया जाए कि आप लोग स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने के लिए बाइक या फोर व्हीलर का यूज़ ना करिए, वॉकिंग या साइकिलिंग का यूज़ करिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने जा रहा था। और दूसरा रीज़न ये है कि पहले के लोगों को आप देखे होंगे कि 100+ एज लिमिट करते थे, लेकिन अब क्या है कि वो 70 या 65 जाते जाते बेड पे आ जा रहे हैं या तो डेथ करते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस हमारे क्लाइमेट इन्वायरमेंट के ऊपर दिख रहा है। तो अगर ये दो चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्या था कि मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, मैंने जर्नी से 40 की पहले भी स्टार्ट किया था 140 रुपये, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, और आज भी मेरा आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं, जो भी है ये साउथ इंडिया की जो पब्लिक है मुझे बहुत सपोर्ट करती है, रहना खाना सब नंबर डोनेशन वगैरह सब कुछ हमें देते हैं, तो जिससे कि हमारा आगे का जर्नी थोड़ा क्लियर और अच्छे से चल जाएगा। तो साउथ इंडिया और केरला के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों। सो गाइज जैसा कि यही हमें
शॉप पे आना था। और ये जो अनाया हमें एक शूज स्पॉन्सर किए हैं, जो कि ये मेरा फट चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर स्पॉन्सर। सो ये रही इनकी शॉप, तो आइए थोड़ा हम इंटर करते हैं। सो यही शूज़ हमें मिला है इनकी तरफ से स्पॉन्सर में, सो काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और क्या हमारे पास है नाइकी, हाँ ये इनके पास, मतलब ये आप लोग देख सकते हैं, अगर जो लोग इधर से हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा वैरायटीज है, तो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। पर हमें तो बहुत अच्छा लगा इनका, बहुत अच्छा लगा। लॉन्ग शूज ट्रैकिंग के लिए, अच्छा ये ट्रैकिंग शूज है ना, ये भी चलेगा, ये भी पानी में चलेगा, हाँ। वॉशेबल भी है।